नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। मैं प्रधानमंत्री के इंटरव्यू देख रहा हूं, उसमें वो रोजगार की बात नहीं कर रहे, 15 लाख की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। पिछले इंटरव्यू में कहते हैं मैं आम इस तरीके से खाता हूं, मैं आम पेड़ पे चढ़कर पेड़ से आम को लेकर फिर खाता हूं। फिर कहते हैं मैंने अपना कुर्ता यहां से काट दिया, मेरा पहले लॉन्ग स्लीव का कुर्ता हुआ करता था, मैंने उसे यहां से काटा। पत्रकार ने पूछा भैया आपने क्यों काटा, कहते सूटकेस में कम जगह है, सूटकेस में कम जगह है इसलिए मैंने काटा। और फिर अगले इंटरव्यू में कहते हैं मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। अरे भैया फिर सूटकेस में कम जगह कैसे, 15 लाख रुपए का सूट पहनेंगे। अब देश के सामने भयंकर बेरोजगारी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता है भाइयों और बहनों मैं तुम्हें आम सिखाना चाहता हूं, आम खाना सिखाना चाहता हूं। कहते भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ। एयरफोर्स के जनरल्स के साथ बैठ के कहते हैं जब बालाकोट पे आक्रमण करोगे मौसम खराब है इसलिए हवाई जहाज, हिंदुस्तान का हवाई जहाज रेडार पे नहीं दिखाई देगा। अरे नरेंद्र मोदी जी इन चीजों से और जनता की समस्याओं के बीच में क्या है, क्या लेना देना है? आप जनता को आम खाना मत सिखाइए, आप जनता को कुर्ता काटना मत सिखाइए, आप जनता को यह बताइए जो आपने वायदे पिछले 5 साल में किए, रोजगार का, भ्रष्टाचार का, काले धन वाला, किसानों की जो मदद करने की बात की थी, सही दाम दिलवाने की जो बात की थी, उसके बारे में आपने क्या किया? कुछ नहीं। आजकल भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कागज पकड़ के पढ़ के जवाब देते हैं, उनके पूरे पूरे जवाब मिल जाते हैं उनको पहले ही। पत्रकार कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी की बात मत कर देना, मोदी जी गलती से भी भ्रष्टाचार मत बोल देना, उधर चौकीदार चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर बोल रहे हैं, सब लोग फंस जाएंगे।